नमस्ते, एसडी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही नए तरीके की फ्रेंकी, जो बहुत हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो उम्मीद है आपको ज़रूर ये फ्रेंकी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये फ्रेंकी। बिल्कुल नए तरीके की हेल्दी और टेस्टी फ्रेंकी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 250 ग्राम गेहूं का आटा। इसे एक बर्तन में डाल लेंगे। इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार करेंगे और बैटर में लम्स नहीं पड़ने चाहिए। और इसका बैटर हमें ना ज्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज्यादा पतला बनाना है। फ्रेंकी बनाने के लिए मैंने घोल को तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरीके की रहेगी, ना ज्यादा गाढ़ी और ना ज्यादा पतली रहेगी। अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे। अब इसे ढक के और 15 मिनट के लिए हम रख देंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। फ्रेंकी रोल बनाने के लिए अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ 3 बड़े साइज का उबला हुआ आलू लिया है। इसे मैंने मैश कर लिया है। अब हम मसाले तैयार करते हैं। अब मैं यहाँ पैन गरम कर रही हूँ और पैन में डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच ऑयल। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। यहां मैंने 4-5 हरी मिर्च कटी हुई रखी है, इसे भी डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये 4-5 मैंने लहसुन की कलियां ली है, इसे दरदरा कूट लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे। 1 से 2 सेकेंड के लिए हम पका लेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच टमाटो सॉस। अब इसे हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। मैं यहाँ 1 छोटी चम्मच और आधी छोटी चम्मच नमक डाल लूंगी और इन सबको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। सारे मसाले अच्छी तरीके से भुन गए हैं, तेल अलग हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मैश किया हुआ आलू। और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आलू को मैंने मसाले में अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये आलू का मसाला अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा आलू का ये मसाला ले लेंगे और इस तरीके से इसका एक लंबा रोल बना लेंगे। इस तरीके का हम रोल बना लेंगे। सारे रोल को मैंने तैयार कर लिया है। अब हम बनाएंगे फ्रेंकी। 15 मिनट हो गए हैं और बैटर हमारा अच्छी तरीके से फूल गया है। इसे एक बार अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे और अब हम फ्रेंकी बनाएंगे। फ्रेंकी बनाने के लिए मैंने तवा गरम कर लिया है। आप इसे किसी भी तरह के तवा पे बना सकती हैं।
तो तवा हमारा गरम हो चुका है, इस पे डाल देंगे एक छोटी चम्मच ऑयल। इसे अच्छी तरीके से फैला लेते हैं। फ्लेम को हम मीडियम कर लेते हैं और बैटर में से तवे पे बैटर डालेंगे और इसे चारों तरफ फैला लेते हैं। और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे, ज्यादा इसे नहीं सेकना है। अब हम इसे पलट लेते हैं और नीचे से भी थोड़ा सा हम सेक लेंगे। 1-2 मिनट तक इसे सेकने के बाद फिर से हम इसे पलट लेते हैं और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब इसके ऊपर हम सॉस लगा लेंगे। इसके ऊपर हम ये आलू का एक रोल रख देंगे, इसे हम थोड़ा सा दबा लेते हैं और ये बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। और इसके ऊपर हम हरी चटनी डाल लेते हैं। और ये ग्रेट किया हुआ पनीर डाल लेंगे। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर चाट मसाला डाल लेते हैं। अब इसका हम रोल बना लेंगे। ये हमारी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी फ्रैंकी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम दूसरी फ्रैंकी बना लेते हैं। ये हमारी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी फ्रेंकी बन के तैयार है। आप इसे अपने बच्चों के लंच में दे सकती हैं या छोटे बड़े कोई भी खा सकते हैं। तो इसे आप भी जरूर ट्राई कीजिए और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।